स्पेशल इंडियन 24 में आपका स्वागत। चलो नजर डालते हैं आज की एक अहम खबर। बांदा जनपद में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज बांदा पुलिस के द्वारा चलाया गया सघन अभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए समूचे उत्तर प्रदेश में 17 मई तक का कर्फ्यू का आदेश दिया है। इसी क्रम में आज बांदा के बाजार में अचानक चित्रकूट धाम मंडल के महानिरीक्षक के सत्यनारायण ने सीओ सिटी आर के सिंह और शहर कोतवाल सहित अतिरिक्त पुलिस बल के साथ बाजार का औचक निरीक्षण किया और वायरस से बचने के लिए व्यापारियों को जागरूक किया और बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने जानकारी दी कि तकरीबन दो दिनों से लगातार बाजार में भीड़ अधिक होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके मद्देनजर आज उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। इतने जो आंशिक कर्फ्यू है उस कर्फ्यू का अमल कैसा हो रहा है यह देखने के लिए आज मैं एक सादा कपड़े में सादा गाड़ी में आकर गोपनीय तरीके से मैं चेक किया। इसके बाद फिर सीओ सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली का मेरे साथ आ गए। तो हम लोग बाज़ार में घूम के जो सब्जी मंडी का बाज़ार है और जहाँ जो मेडिकल शॉप है, जो दुकानें हैं, बाकी अन्य दुकानें हैं, सारे चीज़ों को आज मैं चेक किया। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छा तरीक़ा से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सही दुकानें बंद है, सब दुकानें बंद है। जो किराना दुकान कुछ खुला है और मेडिकल स्टोर खुला है और जो सब्जी मंडी के अंदर भी मैं जाके देखा, वहाँ भी जो है कोई भीड़ नहीं है, मतलब दूर दूर का है आदमी भी। तो इस प्रकार की जो है हम लोग पूरा ये आंशिक कर्फ्यू का अनुपालन कराने में तो गोपनीय तरीके से आज मेरे द्वारा इसे की। सर, दो दिन पहले कुछ हालात बाजार की भीड़ भाड़ दिख रहे थे, आपके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया जनपद के अधिकारियों को बांदा को, तो क्या उस पर कोई सुधार हुआ है या दो दिन में ऐसा कुछ सुधार हुआ है? आप तो फिलहाल स्थिति समान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो दिन पहले जो है मेरे पास जो फोटोज और वीडियो जो आई है उसके आधार पर मैं इंस्पेक्टर कोतवाली साहब को शिवा साहब को बताया था, तो ये दो दिन में काफ़ी अच्छा सुधार लाया और सुधार इतना लाया है कोई अनावश्यक भीड़ कहीं बाज़ार में दिखाई नहीं दिया। इसी चीज़ को चेक करने के लिए आज मैं जो है गोपनीय तरीक़े से सादा कपड़ों में आकर चेक किया।